हेलो एवरीवन, हियर इज करण अकपाल और आज आप देख रहे हैं मेरी न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लैश ऑफ क्लैंस के ट्रूप्स कैसे, अच्छे ट्रूप्स कैसे ट्रेन करते हैं जिससे हमें लूट मतलब पूरी मिल जाए और सब काम हो जाए। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाया था फ्रेंड्स कि किस तरह से अच्छी लूट लेते हैं, एक ट्रिक होती है फ्रेंड्स उसकी, तो मैंने आपको वो भी बताई थी। फ्रेंड्स, मेरे को बड़े दिनों से वो भी नहीं मिल रहा था टॉपिक, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। तो चलो फ्रेंड्स, अब इस टॉपिक पर शुरू करते हैं कि हमें किस तरह के ट्रूप्स ट्रेन करने चाहिए। लेट्स गो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही बढ़िया वीडियो है। अगर आप इन ट्रूप्स से अटैक करना सीख जाओ जैसे मेरे ट्रूप्स हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये आईडी गलत खुली हुई है, तो हम दोबारा से भी फटाफट से आईडी खोल लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक मिनट, ये आईडी खुल रही है और ये मेरी मेन आईडी जो मैंने आपको, जिससे मैंने ज़्यादातर वीडियोस अपलोड करी हैं सारे मेन टॉपिक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक टाउन लाइन के प्लेयर हैं तो मेरी वीडियो ज़रूर देखें। थोड़े ही दिनों बाद टेंशन ना लीजिए, टाउनल 8 की, टाउनल 7 की, सारी टाउनल्स की भी डालूंगा, जैसे मैं अभी वो बिल्डर मतलब बेसिस की डाल रहा हूँ, वॉल बेसिस की 93 स्टार। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप मेरे ट्रूप्स देख लीजिए। 11 वल्करी, 1 हॉग राइडर, 2 पैका, 16 विजार्ड और 13 आर्चर्स और 4 हीलिंग स्पेल, 1 हास्ट स्पेल, बाकी आर्चर क्वीन और की। दोस्तों, अगर आप किसी क्लैन के लीडर हो या फिर आप किसी ऐसे क्लैन में हो जहाँ पर आपको डोनेशन नहीं मिलती, तो उसके अलावा अगर आप ये ट्रूप्स लेके जाओगे तो आपको बिना डोनेशन के भी अटैक करने में दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। जैसे कि मेरा सीन है यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं लीडर हूँ तो मेरे को यहाँ पे ज़्यादा रिसीव नहीं ले सकता, मैं समझ ही सकती हूँ फ्रेंड्स आप। इसको पता नहीं किसने गलती से बार बार डोनेट कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको भी बार भी दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, चलो इस ट्रूप से हम अटैक करके देखते हैं। 13 आर्चर, 16 विजार्ड और ये देख रहे हैं आप, 2 पैका, 1 हॉग राइडर, 11 वल्करीज, 1 कास्ट स्पेल और 4 हीलिंग स्पेल, 1 आर्चर क्वीन और 1 बारबेरियन क्वीन। तो चलो, सबसे पहले तो वही, इस बार ही मैंने लैंग्वेज चेंज करके नहीं दिखाया आपको, क्योंकि मेरे को सिर्फ ये ट्रिक दिखानी है आपको। मैं सिर्फ ये ट्रिक दिखाना चाहता था आपको, इसलिए मैं इसमें लैंग्वेज चेंज करके लूट नहीं दिखा रहा आपको। आपको जैसे भी करना है वो आपकी मर्जी है, आप खुद कर सकते हैं फ्रेंड्स। बाकी आप सामने देख ही रहे हैं, ये बेस भी अच्छा है फ्रेंड्स, आपकी मर्जी है, आपको जैसे मर्जी मतलब बेस पर अटैक करना आता हो। तो ये एक ऐसा वो है जो किसी भी बेस पे, टाउनल लाइन के किसी भी बेस पे अटैक कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अंदर इतनी, इन ट्रूप्स के अंदर इतनी हिम्मत है ना फ्रेंड्स, कि 2 स्टार तो ये लेके जाते ही जाते हैं, 0 तो लेके गए नहीं मेरे आज तक फ्रेंड्स। इस बेस में लूट बड़ी कम है तो इसलिए मैं अटैक नहीं करूँगा, क्योंकि लूट तो फ्रेंड्स चाहिए चाहिए ना, इसमें भी बस कम है। तो एक मुश्किल सा बेस भी लूँगा मैं, एक मुश्किल बेस जिसमें लूट ज़्यादा हो फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, ये थोड़ा ठीक बेस है तो मुझे लगता है मुझे इसी में अटैक करना चाहिए फ्रेंड्स। इसमें मिनिमम 1 स्टार तो जाएंगे ही जाएंगे, ये मेरी गारंटी है फ्रेंड्स। देख लो ये कॉर्नर में जो इरिटेट करती हैं चीज़ें, सबसे पहले इन पे आर्चर छोड़ दीजिए, उसके बाद अगर ये हॉग राइडर, इसलिए मैं वैसे कह रहा हूँ क्योंकि ये कभी कभी वॉर में या नॉर्मल जगह पे काम आ जाता है। अगर आपको देखना हो कि उसके क्लैन के अंदर कुछ ट्रूप्स हैं कि नहीं मिले, तो सबसे पहले अपने अब इस तरह से विजार्ड छोड़ दीजिए, उसके बाद पीछे 2 पैका और 1 आर्चर क्वीन। जब यहाँ पे सारी चीज़ें मर जाए ना फ्रेंड्स, ये जब जितना भी मतलब चीज़ें टूट जाए, उसके बाद छोड़िए अपनी वल्करी ताकि वो सीधा अंदर जाए, ओके फ्रेंड्स। और यहाँ पे छोड़ दीजिए एक हीलिंग स्पेल और अपने किंग को जैसे भी रेज करना हो वो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो। और आप देख रहे हैं वल्करी किस तरह से अंदर घुस चुकी है फ्रेंड्स, और मैंने हास्ते छोड़ी, एक और हीलिंग मैं छोड़ देता हूँ। मुझे लग रहा है ये कुछ भी करके 2 स्टार अटैम्प्ट जा सकता है फ्रेंड्स, अगर मेरी वल्करी ने ढंग से काम किया तो। तो फ्रेंड्स, मेरे को लगता है मेरी वल्करी अंदर घुस चुकी है और ये 2 स्टार अटैम्प्ट है फ्रेंड्स। आप देख रहे हो कितना मुश्किल बेस था ये फ्रेंड्स, बिल्कुल मैक्स आउट बेस था फ्रेंड्स। और मैं तो अभी TH9 पे आया हूँ, मेरे तो अभी मैक्स भी नहीं हुआ है और मैं एक TH9 के मैक्स आउट बेस पे लेके जा रहा हूँ। ये एक बेस्ट ट्रूप्स एवर है फ्रेंड्स, अगर आप इसको ट्रिकली यूज़ करो जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो कितना अच्छा अटैक गया है, पूरी लूट आपके सामने है फ्रेंड्स। और ये 28 ट्रॉफीज भी कुछ बगेगी नहीं, 20 16 तक तो मिली जाएगी।
परसेंटेज के हिसाब से फ्रेंड्स पूरी लूट आई है। थोड़ी सी डार्क एलिक्जर रह गई, बस 3000 डार्क एलिक्जर में से 1000 डार्क एलिक्जर रह गया फ्रेंड्स। और ये कोने में आपके लिए अपनी आर्चर्स बचा के रखना, अगर बाई चांस आपकी 50% ना गए हो तो एक एक आर्चर छोड़ते रहना। मेरा 50% चले गया था तो मैंने पिछले फ्रेंड्स आर्चर्स छोड़ दी। अब आप देख रहे हो फ्रेंड्स ये 70% अटेम्प्ट हुआ है, तो ये एक अच्छा अटैक गया है टाउन लाइन के हिसाब से, क्योंकि टाउन लाइन के मैक्स आउट बेसिस पे 3 स्टार्स ले जाना बहुत टफ होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं सही कह रहा हूँ, ये वीडियो एक बहुत ही बढ़िया वीडियो है। अगर आपको मेरे ट्रूप्स पसंद आए हो फ्रेंड्स, पूरी की पूरी लूट फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरे ट्रूप्स पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जो भी TH9 पे है या फिर TH10 पे जाने वाले हैं। मैं अभी और वीडियोज़ भी डालूंगा अगर वो बंदे TH8 पे है तो। फ्रेंड्स मैं आपको अभी अपना टैग्स भी दिखाता हूँ, देखिए फ्रेंड 93, ये 54, ये 69 66 57 65, फ्रेंड्स सब पे अटेम्प्ट गया है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करूँ। मैं बीच में वीडियोस अपलोड करने में रुक गया था फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे कोई अच्छा टॉपिक नहीं मिल रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आपको पता ही है अगर और भी आपके कोई फ्रेंड TH9 पे है उनको भी ये ट्रूप्स का आइडिया बताना। ओके बाय गाइस।